हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। और आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एयर वेसल क्या होता है, क्या फंक्शन है इसका, हम देखेंगे फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द रेसिप्रेटिंग पंप। इन दिस इज़ द सिलेंडर पार्ट। दिस इज़ द पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड क्रैंकशाफ्ट। दिस इज़ द सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व। दिस इज़ डिलीवरी पाइप एंड डिलीवरी वाल्व। दिस इज़ द एयर वेसल फिटेड नियर बाई द सिलेंडर इन सक्शन साइड एंड दिस इज एयर वेसल फिटेड इन द डिलीवरी पाइप नियर द सिलेंडर। फ्रेंड, दिस इज अ सिंगल एक्टिंग रेसिपरेटिंग पंप। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द इनर डेड सेंटर, दिस इज द आउटर डेड सेंटर। सो हियर दिस इज थीटा इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इनर डेड सेंटर टू आउटर डेड सेंटर इज नोन एज स्ट्रोक लेंथ। So it means here, when this point is here, theta is equal to 0, crank point is here, theta is equal to 0, crank point is this point, so theta is equal to 90 degree, and when this crank point is at this point, theta is equal to 180 degree, hoga. Now friends, when suction start hoga, before this, kya hota hai friends, ki this part, ye part kya hai, फर्स्ट हाफ कहते हैं पिस्टन सिलेंडर का। फर्स्ट हाफ 0 to 90 degree इज़ द फर्स्ट हाफ एंड 90 degree to 180 degree इज़ द सेकेंड हाफ। ओके फ्रेंड्स, नाउ जो फर्स्ट हाफ होगा फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि हमने एयर वेसल फिट नहीं किया है, तो क्या होगा जो फर्स्ट हाफ होगा, फर्स्ट हाफ में क्या होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पिस्टन क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हेड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो डिस्चार्ज इन द पाइप होगा वह मोर देन मीन वेलोसिटी होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 90 degree to 180 degree, इन दिस में क्या होता है फ्रेंड्स, डी एक्सेलरेशन होता है। तो डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वह कम होगा, लेस देन मीन वेलोसिटी होगा। सो डिस्चार्ज इज ऑल्सो लेस देन मीन डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन मोर डिस्चार्ज इज कमिंग इन द पाइप, एंड सेकेंड हाफ ड्यू टू डी एक्सेलरेशन लेस डिस्चार्ज इज कमिंग इन द पाइप। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट हाफ में क्या है, डिस्चार्ज इज मोर देन मीन डिस्चार्ज, एंड सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ में क्या होगा, डिस्चार्ज इज लेस देन मीन डिस्चार्ज। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली हियर इन डिस्चार्ज साइड में क्या होगा, व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम आउटर डेड सेंटर टू इनर डेड सेंटर, सो डिस्चार्ज विल हैपन। तो डिस्चार्ज के, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्चार्ज। सो फर्स्ट हाफ में क्या होगा फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन होगा। सो ड्यू टू एक्सेलरेशन मोर डिस्चार्ज इज गोइंग इन द पाइप, तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ में मोर डिस्चार्ज इज गोइंग इन द पाइप, एंड सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेस डिस्चार्ज इज गोइंग इन द पाइप। इट मीन्स जो फर्स्ट हाफ होगा, डिस्चार्ज इज मोर देन मीन डिस्चार्ज, एंड सेकेंड हाफ में क्या होगा, डिस्चार्ज इज लेस देन मीन डिस्चार्ज। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी फिटेड हियर एयर वेसल। एयर वेसल फिटेड इन द सक्शन साइड, एयर वेसल फिटेड इन द डिलीवरी साइड। ओके फ्रेंड्स, सो क्या होगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन मोर डिस्चार्ज इज कमिंग। सो जो एक्सेस डिस्चार्ज होगा मीन डिस्चार्ज से, जो एक्सेस डिस्चार्ज होगा वह डिस्चार्ज क्या होगा फ्रेंड्स, कि वह इट विल गो टू द एयर वेसल एंड इट विल स्टोर्ड हियर। जब सेकेंड हाफ होगा तो मीन जो डिस्चार्ज होगा वह मीन डिस्चार्ज से कम होगा। इस केस में क्या होगा, जो भी स्टोर्ड लिक्विड है इन एयर वेसल, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एयर वेसल टू सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंतर्गत क्या होगा, जो इनसाइड द सिलेंडर होगा वह मीन डिस्चार्ज अचीव हो जाएगा। सो थ्रू आउट हमें जो है मीन डिस्चार्ज अचीव होगा। ओके फ्रेंड्स, ड्यू टू एयर वेसल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि अप टू दिस पॉइंट जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ कमिंग द लिक्विड जो होगा, जो लिक्विड आ रहा है वह मीन वेलोसिटी के इक्वल होगा। इट मीन्स वेलोसिटी इन द पाइप इक्वल टू मीन वेलोसिटी ऑफ द पाइप। ओके फ्रेंड्स, जो भी वेरिएशन इन द वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, एल एस डैश के लेंथ में ही होगा। ओके फ्रेंड्स, सिमिलर केस में क्या होगा, व्हेन डिस्चार्ज हैपनिंग,
सो फर्स्ट हाफ में डिस्चार्ज इज मोर देन मेन डिस्चार्ज, सो एयर वेसल के वजह से क्या होगा, जो एक्सेस डिस्चार्ज होगा वह एयर वेसल में जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब सेकेंड हाफ में डिस्चार्ज इज लेस देन मेन डिस्चार्ज, उस केस में क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एयर वेसल टू डिस्चार्ज लाइन, तो क्या होगा, हमें मेन डिस्चार्ज जो है अचीव्ड होगा। ओके फ्रेंड्स, और यूनिफॉर्म डिस्चार्ज हमें मिलेगा। सो सक्शन साइड एंड डिस्चार्ज साइड बोथ केस में हमें यूनिफॉर्म डिस्चार्ज अचीव होगा। जो भी वेरिएशन होगा वेलोसिटी का, वह एल डी डैश लेंथ के अंतर्गत या एल डी डैश लेंथ में ही होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर, दिस इज द प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन हेड एच एस होता है। एच एस क्या होगा, एल एस डैश बाय जी ए बाई ए एस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, मानते हैं दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। सो फ्रेंड्स क्या होगा, जो भी एक्सेलरेशन हेड होगा वह इस लेंथ के अंतर्गत ही होगा। सो यहाँ से फ्रेंड्स जो एक्सेलरेशन हेड हो जाएगा वह मिनिमम होगा या कम होगा, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो सक्शन है, जो सेपरेशन के चांसेस क्या होगा फ्रेंड्स, मिनिमम हो जाएंगे। एच एस की वैल्यू कम होगी, जिससे क्या होगा, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द इंडिकेटर डायग्राम, दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज द स्ट्रोक लेंथ, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, दिस इज द सक्शन स्ट्रोक एच एस, दिस इज द सक्शन स्ट्रोक एच एस, नाउ दिस इज द एच ए एस मीन्स एक्सेलरेशन हेड। फ्रेंड्स क्या होगा कि लेंथ कम होने की वजह से, दिस लेंथ इज मोर अर्लियर, दिस इज द लेंथ नाउ ओनली ड्यू टू एयर वेसल दिस इज द लेंथ, सो लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जो एक्सेलरेशन हेड होगा वह कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, सपोज कीजिए इनिशियल केस में जब एयर वेसल फिट नहीं किए हैं तो एक्सेलरेशन हेड दिस मच जनरेटेड, नाउ ड्यू टू एयर वेसल एक्सेलरेशन हेड इज दिस मच जनरेटेड। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द सक्शन हेड एंड दिस इज द एक्सेलरेशन हेड। सो फ्रेंड्स दिस इज द प्रेशर हेड बिलो एटमोस्फेरिक, दिस इज द एटमोस्फेरिक लाइन एटीएम प्रेशर लाइन। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अर्लियर केस में दिस मच निगेटिव प्रेशर वी हैव टू क्रिएट फॉर सक्शन, सो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, सेपरेशन चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएगा, बट एयर वेसल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, दिस एक्सेलरेशन हेड की वैल्यू कम होगी, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमें जो एक्सेलरेशन हेड, जो सेपरेशन हेड होगा या सेपरेशन के जो चांसेस जो है हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, इससे जो हमें हम क्या कर सकते हैं, मोर स्पीड से हम पिस्टन को रन कर सकते हैं विथ यूनिफॉर्म डिस्चार्ज। ओके फ्रेंड्स, जो सेकेंड बेनिफिट क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, जो मीन डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है, मीन वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, ए बाई ए आर ओमेगा बाई पाई, यह मीन डिस्चार्ज की वैल्यू है। इफ एक्चुअल हम डिस्चार्ज लेंगे इन द पाइप विदाउट एयर वेसल, उस केस में क्या होता है, ए बाई ए आर ओमेगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड देखिए और यहाँ पर दिस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई पाई, सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, मीन वेलोसिटी इज लेस देन एक्चुअल वेलोसिटी इन द पाइप विदाउट एयर वेसल। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो है विदाउट एयर वेसल है, एंड दिस इज द ड्यू टू एयर वेसल वी आर अचीविंग द मीन वेलोसिटी, सो इट इज डिवाइड बाई पाई। सो यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी तो जो फ्रिक्शन लॉसेस होगा फ्रेंड्स, एच एफ इक्वल टू 4FLV²/2GD, सो जो वी, दिस इज द वी स्क्वायर वैल्यू, सो यहाँ से जो वी वेलोसिटी की वैल्यू, मीन वेलोसिटी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, सो यहाँ से जो लॉसेस होंगे इन दिस पाइप एंड क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, जो भी लॉसेस होगा पाइप ये भी क्या होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा, सो हमारा फ्रिक्शन लॉसेस जो है कम होंगे, तो इससे क्या होगा हमारा पावर सेविंग होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम देख लेते हैं थ्योरी समथिंग, थ्योरी क्या होगा कि रेसिपेटिंग पंप में क्या होता है, एयर वेसल हम डिस्कस कर रहे हैं, एयर वेसल इज ए क्लोज चेंबर कंटेनिंग
एयर वेसल क्या होता है, क्लोज चैम्बर होता है कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर इन द टॉप पोर्शन एंड लिक्विड वाटर एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। यहाँ पे क्या होता है, ये टॉप पोर्शन एयर होता है, बॉटम में लिक्विड होता है जो इन एंड आउट होगा। व्हेन द लिक्विड इंटर्स द एयर वेसल द एयर गेट कंप्रेस्ड फर्दर एंड व्हेन द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ वेसल द एयर विल एक्सपेंड इन द चैम्बर। An air vessel is fitted to the suction pipe and to delivery pipe at a point close to the cylinder. It means friends, ये point जितना नज़दीक होगा cylinder के उतना ही जो है हमारा mean velocity क्या होगा, mean velocity मतलब कि equal होगा। It means suppose कीजिए कि अगर यह जो है यहाँ पर fitted होगा तो up to this length only जो है mean velocity होगा, यहाँ से L dash length की value बढ़ जाएगी तो losses हमारा क्या होगा, friction losses बढ़ जाएगा। तो इसी की वजह से क्या करते हैं कि जो एयर वेसल है वह नियर बाय द सिलेंडर फिक्स करते हैं कि दैट एल एस डैश डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, एल एस डैश डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। तो यहाँ से फ्रिक्शन लॉसेस भी हमारा क्या होगा, कम होगा, तो पावर सेविंग हमारा हो जाएगा। एयर वेसल एक्ट लाइक ए इंटरमीडिएट रिजर्वायर। ओके फ्रेंड्स, नाउ नाउ फ्रेंड्स, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द सक्शन स्ट्रोक द पिस्टन मूव विथ एक्सेलरेशन। ड्यू टू पिस्टन एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इन द पाइप सक्शन पाइप इज मोर देन मीन वेलोसिटी। ड्यू टू मोर सक्शन पाइप वेलोसिटी डिस्चार्ज वाटर इंटरिंग द सिलेंडर विल बी मोर देन द मीन डिस्चार्ज। द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी सप्लाइड इन टू द एयर वेसल। Due to this, the air compressed inside the vessel and water is stored in the air vessel and velocity equal to the mean velocity. Okay friends, ये velocity क्या हो जाएगा, mean velocity के equal हो जाएगा। During the second half of the suction stroke, the piston move with retardation, then velocity of flow in the suction pipe is less than the mean velocity. So क्या हो जाएगा, discharge entering the cylinder will be less than the mean discharge, then water stored in the air vessel start flowing in the suction pipe. Due to this, velocity equal to the mean velocity and uniform flow will be achieved during the suction stroke. Okay friend, now delivery stroke mein kya ho jayega, during the first half of the delivery stroke the piston move with acceleration and forces the water into the delivery pipe with a velocity more than the mean velocity. So kya hoga, excess quantity of liquid will flow into the air vessel. Due to this, air inside vessel is compressed and air is stored in the vessel. During the second half of the delivery stroke, the piston move with retardation. Second half में क्या होगा friends? Second half में retardation होता है, second half में retardation होगा, तो जो भी liquid stored होगा वह start coming out in the line. Okay friends, यहाँ से जो है हमें air vessel का function पता चल गया। नाउ एयर वेसल कैसे काम करता है, नाउ फंक्शन ऑफ द एयर वेसल क्या है फ्रेंड्स, टू ऑब्टेन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट। सो यूनिफॉर्म रेट कैसे आएगा, हमने देखा अभी, टू सेव द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्स ऑफ वर्क इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो ड्यू टू एयर वेसल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इन द पाइप। ड्यू टू एयर वेसल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस दिस पाइप मीन वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, और इसके एवब क्या हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी होगा मीन वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं कि मीन वेलोसिटी की जो वैल्यू है ए बाई ए आर ओमेगा बाई पाई, जो इस वैल्यू के से कम है तो जो भी हमारा लॉसेस होगा वो कम होगा एंड हमारा क्या होगा, सेव होगा, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो वर्क होगा वो हमारा सेव हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज दिस, टू रन द पिस्टन एट द टू रन द पंप एट हायर स्पीड विदाउट सप्रेशन। बिकॉज हमारा क्या होता है कि जो एच एस की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन हेड जो है हमारा निगेटिव प्रेशर, यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, जो निगेटिव प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, ओनली दिस मच निगेटिव प्रेशर वी हैव टू क्रिएट बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो हम जो है सेपरेशन चांसेस विल डिक्रीज एंड वी कैन रन द पंप एट हायर वेलोसिटी या हायर स्पीड। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरा एक्सेलरेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू।